पाकिस्तान के साथ हुए चार युद्धों में हमारे 8,738 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश के अंदर नक्सलियों ने 15,000 से ज्यादा जवानों की हत्या की है। बस्तर में हमारे 76 जवानों को नक्सलियों ने बड़ी क्रूरता से मारा था और तब इसका जश्न मनाया गया। मैं नक्सल फिल्म देख करके आई हूँ, तो फिल्म में रोंगटे खड़े होते हैं। फिल्म में सच्चाई सच्ची कहानी दिखाई गई, कितनी सच्ची हो मैं नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन मैं पूरे टाइम ये सोच रही थी जो इन लोगों पर बीती होगी तो कितना वो एक तरीके से उनके लिए रहा होगा, टॉर्चर भरा हुआ। इमेजिन भी नहीं कर सकते, अगर हमारे एरियाज में हिंदू मुस्लिम भी होता थोड़ा बहुत तो हम उसमें इतना डर जाते हैं। तो बहुत रोंगटे खड़े फिल्म करती है, कहीं ना कहीं सरकार पर भी सवाल उठाती है क्योंकि उनसे मदद मांगी गई, उन्होंने वक्त पर नहीं दिया। मुझे ऐसा लगता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं जो टूटी हुई है, तो मैं किसी पर भी कमेंट नहीं करूंगी। फिल्म अच्छी है, सभी ने अच्छा काम किया है। तो जिन्होंने द गैलरी स्टोरी देखी है, कश्मीर फाइल्स देखी, उनको ये फिल्म की जरूरत पड़ेगी। और भी हम लोग मैंने कहा कि पहली फिल्म नहीं देखी है, अभी तक नहीं देखी, आई डोंट नो कि मैंने क्यों नहीं देखी, लेकिन अदर की अभी भी नहीं लग नहीं रही थी। अदर ने बहुत अच्छा काम किया है और मैंने पहले बोला सच्चाई कितनी है वो मैं नहीं बोल सकती क्योंकि द गैलरी स्टोरी पर बाद में सवाल उठे थे, कोर्ट ने कहा था काफी दुम्बल फड़क चीजें दिखाई गई है, तो एक दूसरा तरीका है। लेकिन फिर मैं फिल्म की तरीके से देखी, कुछ ना कुछ सच्चाई अभी तो ये सब बहुत अच्छी लगी। अगर बात की जाए इस फिल्म की कहानी की, तो कहानी है छत्तीसगढ़ के जो बस्तर है उसके ऊपर और किस तरह नक्सलवाद जो है वो एक टाइम पे बढ़ा था 1980 स्टोरी से शुरू हो रहा है और अभी भी प्रेजेंट में है। मैंने इसके बारे में पढ़ा तो एंड आई वाज लाइक जिस क्रूअल तरीके से ये लोगों को मारते हैं, मतलब एकदम हार्टलेस चीजें हैं। और वही जो हाँ ऑफिसर्स जो पुलिस ऑफिसर्स हैं सीआरपीएफ है वो अपनी जान जोखिम में डाल के बता रहे हैं एंड द पॉलिटिशियंस देखकर कि वो उनको बैकअप भी नहीं दे रहे हैं, वो वाली चीज उसने फिल्म में भी दिखाई है। तो ये चीज बहुत ही एकदम वैसी लगी कि पॉलिटिकल का सपोर्ट भी होना कितना जरूरी है सरकार के ऑफिसर्स के पास। अदर शर्मा की एक्टिंग की बात की जाए तो उन्होंने आईपीएस का किरदार दिखाया, देखकर काफी अच्छा लग रहा है कि किस तरह की सिस्टम शुरू होना चाहिए हमारी इंडिया के। और वो उन्होंने बात भी कही है कि अगर सारे लोग करप्ट हैं उनका घर बनाना या घर भाई को एक अच्छा मुझे तो करनी पड़ेगी। मैं मुझे लगता है कि दाद देनी पड़ेगी आज की सरकारों की, आज के पुलिस फोर्सेस की, जो ऐसी फिल्मों को ऐसी रियलिटीज को रिप्रेजेंट कर रही है। एक समय तो ऐसा था जब ये सच्चाई दिखाने की हिम्मत ही नहीं हुआ करती थी। देखा जी आपने फंडिंग कितनी लंबी, इन्होंने नाम भी लिया बॉलीवुड में भी चलती है ऐसी फंडिंग। और जो हमारे देश का बेस है यानी यूथ कॉलेजेस में जा जाकर, आपको पता JNU भारत की सबसे बड़ी फंडिंग वाली यूनिवर्सिटी है, यहाँ के बड़े बड़े स्कॉलर्स को PhD करने वाले स्टूडेंट्स को इतने बड़े अमाउंट पर एक अमाउंट जो है ऑफर किया जाता है और वहां पर से नासूर पैदा हो तो क्यों किया जाएगा, मतलब विनाश करने के लिए। बिल्कुल अवेयरनेस फैलेगी, लेकिन मैं सबसे बड़ा एक डीमेरिट ये कहूंगी कि आज का यूथ ऐसी चीजों को समझने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी फिल्में जो भी आती है वो इतने बड़े स्केल पर चलती नहीं है। और सबसे मतलब हमारे लिए विडंबना ये है कि एनिमल जैसी फिल्में जिनका ना कोई सिर है ना पैर है ना कोई कहानी है ना कोई औचित्य है, ऐसी फिल्में कई कई हजार करोड़ के मतलब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लेती हैं और ऐसी फिल्में पिट जाती हैं। तो ये बहुत हमारे मुंह पर एक ब्लॉट 5/5 रेटिंग होनी चाहिए, बहुत बढ़िया था। बनी हुई नक्सल प्रभावित क्षेत्र छत्तीसगढ़ के, तो कहीं ना कहीं ऐसे समाज में आज जो लेफ्टिस्ट लोगों की आज कहीं ना कहीं भावना है देश को तोड़ने की, चाहे JNU में नारे लगाना हो, तो कहीं ना कहीं एक विंग जो काम कर रहा है देश के विरोध उन लोगों के लिए दिखाने के लिए, और जिस तरीके से 36 टुकड़ों में तोड़ने की काटने की बात उसमें दिखाई गई है, और ये रियलिटी है, रियलिटी है। ये कोई इल्यूजन नहीं है, ये रियलिटी है। और वही सारे मूवी में बहुत अच्छा से इन्होंने दिखाया है और ये हर युवाओं को हर एक वर्ग को आकर इस मूवी को देखना चाहिए और इसे प्रभावित होने की जरूरत है कि आखिर जो देश विरोधी तत्व है उनके खिलाफ कैसे हमें बोलना है, उनको कैसे जवाब देना है। इस मूवी में बहुत बढ़िया से दर्शाया।